मरवाही इलाके के किसान सुरेश मरावी के आत्महत्या का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस की ओर से इस मामले में जांच के लिए गठित टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट शुक्रवार को मीडिया के सामने प्रस्तुत किया। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामदयाल उइके की अध्यक्षता में गठित टीम ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस मौके पर रामदयाल उइके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का रिपोर्ट सार्वजनिक किया है। उइके ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि किसान सुरेश मरावी ने कर्ज में डूबकर आत्महत्या की है। उन्होंने बताया कि बैंक ने उनको कर्ज चुकाने के लिए दबाव बनाया था, इसके लिए उन्होंने किसान को कई बार नोटिस भी दिया। रामदयाल उइके ने मृतक किसान को दिए नोटिस को दिखाते हुए कहा कि बैंक ने किसान को साल 2017 में भी नोटिस दिया था। उन्होंने कहा, जिस तरह से प्रशासन ने उनकी मौत के दूसरे दिन मृतक के खाते में पैसा जमा कराया, अगर वही पैसा पहले जमा हो जाता तो सुरेश मरावी को इस तरह का कदम नहीं उठाना पड़ता। ग्राम पिपरिया का रहने वाला किसान स्वर्गीय सुरेश सिंह मरावी कर्ज के बोझ से लदने के कारण आत्महत्या कर लिया, यह छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों का सबसे दुखद विषय है। और भीषण अकाल पड़ने के बावजूद भी बैंक के द्वारा उसे दो दो नोटिस जारी किया गया, ये और उससे बढ़कर दुखद बात है। मुख्यमंत्री के निर्देश करने के बाद भी बैंक वालों ने नोटिस जारी किया और उस नोटिस के दबाव में आकर सुरेश मरावी, जो 18 एकड़ 66 डिसमिल का किसान था, उसने आत्महत्या कर लिया, क्योंकि उसको क्षतिपूर्ति राशि नहीं दी गई। आत्महत्या होने के एक दिन बाद राज्य सरकार उसके खाते में 1,79,785 रुपये जमा किया। ये संदेहास्पद बात है कि अगर ये पैसा सरकार पहले जमा करता तो उसकी हत्या नहीं होती, यही दुखद विषय है। हमने चार मांगे रखा है कि उसके चार बच्चे हैं, पत्नी है, बेवा माँ है, उसके दो भाई हैं, बहू है, उनकी परवरिश के लिए 35 लाख रुपया राज्य सरकार को सहायता प्रदान करनी चाहिए। दूसरी मांग है कि चीफ सेक्रेटरी और बीमा कंपनी के संचालक हल्का पटवारी, जिन्होंने ठीक से सर्वे नहीं किया, तहसीलदार और पटवारी, इनके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। और तीसरी मांग है कि उनके बच्चों को शासन के द्वारा निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था करनी चाहिए। और चौथी मांग है कि फसल बीमा की क्षतिपूर्ति की फिर से सर्वे कराया जाए, पूरे गांव का सर्वे करवाया जाए, ताकि और बहुत से किसानों को क्षतिपूर्ति राशि नहीं मिली है, उनको फसल बीमा की राशि मिल सके। धन्यवाद।